भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपॉक मैदान पर तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 270 रनों का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया से मिले लक्ष्य के जवाब में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इसके बाद शुभमन गिल भी अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हुए और 37 रनों के स्कोर पर जेम्पा का शिकार बने। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में एक बार फिर विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। विराट कोहली ने इस अर्धशतक के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में विराट कोहली ने 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं अपने अर्धशतक के दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। विराट कोहली के वनडे करियर का यह 65वां अर्धशतक है। वहीं इस पारी के दौरान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में घर पर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है।